बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे हेयर लॉस के बारे में। बाल टूटते हैं, बाल झड़ते हैं, पहले तो डिस्क्रिप्शन में जाके अगर आपको कंप्लीट इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो उसमें डिस्क्रिप्शन में हमने फुल वीडियो का लिंक दिया है, उसमें आपको एक्चुअली पता चलेगा कि हेयर लॉस हो क्यों रहा है। जब हमें ये पता चलेगा हेयर लॉस क्यों हो रहा है तभी तो उसके निदान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो पूरी साइंस अगर आपको समझनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के वीडियो लिंक को आप देखें। इस वीडियो के अंदर मैं शॉर्ट तरीके से आपको वो डाइट प्लान बता रहा हूँ जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके हेयर अगर अभी लॉस हो रहा है, आपके बाल अगर बिल्कुल बेजान हो गए हैं तो कैसे उसको समझदारी से आप ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले समझना है हेयर लॉस जो आज होने के सबसे बड़े रीजंस है, उसमें से सबसे बड़ा रीज़न ये शरीर की कमजोरी। जब शरीर के अंदर ताकत ही नहीं होगी तो बालों को बचाओगे कैसे? बाल शरीर के लिए एक एक्स्ट्रा ग्रोथ है, ये इसके लिए मैंडेटरी चीज़ नहीं है। शरीर के लिए मैंडेटरी होता है आंखों से वो देख पाए, शरीर के लिए मैंडेटरी होता है हाथों की ये मांसपेशियां चल पाए, शरीर के लिए बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि वो बाल बचा पाए। तो जैसे ही आपके शरीर में कमजोरी होगी, कोरोना होगा, बुखार होगा, कुछ भी होगा, सबसे पहले क्या होगा, बाल टूटने शुरू हो जाएंगे। इस एक बेसिक चीज़ को हम कभी समझते ही नहीं है। बाल टूटने शुरू होते हैं सीधा ब्यूटी पार्लर में दुकानों पर जाके कहते हैं भैया शैम्पू दे दो, कोई तरीका नहीं है। पहले बेसिक चीज़ को समझिए, 99% चांस है अगर आपके बाल टूट रहे हैं तो आपके बाल कमज़ोर, आपके शरीर में कमजोरी है। शरीर की कमजोरी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भीगे हुए ड्राई फ्रूट की चटनी जैसा बाक्षी बताती है उसको अच्छे से ग्राइंड करो, सुबह 1-2 चम्मच खाना शुरू करो। डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक भी दे देंगे। ये समझिए ड्राई फ्रूट से ताकत कैसे निकलती है। और दूसरी चीज़ जो मैक्सिमम वीडियो में बताते हैं, क्या? मोरिंगा 1/4 चम्मच शहद के साथ में अच्छे से लपेटा और दिन में खाया, 1/4 चम्मच खाना है रोज़। लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन में खाते रहना है इसको। जब आप 2-3 महीने लगातार खा लोगे शरीर की ताकत बढ़ जाएगी, बालों की ग्रोथ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहला क्या काम है? मोरिंगा। दूसरी बात, बहुत लोग बोलते हैं कि बालों के लिए बायोटिन इंपॉर्टेंट होता है, तो कुछ कंपनियां बायोटिन के कैप्सूल्स भी लाती हैं। ये उन लोगों के लिए जिनको ठीक है खाने का मन है कि हम कोई कैप्सूल अच्छी कंपनी का खा ले तो ये खा सकते हो। हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते, लेकिन बायोटीन का कैप्सूल अगर अच्छी कंपनी बना रही हो, इस कंपनी को इसलिए प्रेफर किया गया, ये थोड़े हर्बल एक्सट्रैक्ट वगैरह भी डालती हैं, मैंडेटरी नहीं है। अगर बाल अभी टूटने शुरू हो रहे हैं तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। किसी को ज़्यादा लॉस के हो तो खाने के बाद में इस तरह के 2 कैप्सूल्स अगर वो खाता है तो बायोटीन नाम का विटामिन भी अपने को अच्छे से मिलने लग जाता है। विटामिन मिनरल्स को अपने शरीर में पूरा करिए, बालों का लॉस आपका पूरा होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ये ध्यान रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? शरीर में हमने ताकत तो भर दी, लेकिन बालों तक पहुंचाओगे कैसे? एक्सरसाइज करके। जब एक्सरसाइज करोगे शरीर का खून जो है वो पूरी बॉडी में दौड़ेगा तो वो विटामिन मिनरल्स स्कल तक पहुंचेंगे। पहले शरीर के अंदर ताकत रखो, एक्सरसाइज और व्यायाम करो ताकि बालों तक पूरा न्यूट्रिशन पहुंचना शुरू हो। तो अंदर से पहले न्यूट्रिशन, ऊपर से पेड़ है, ऊपर से हल्का हल्का पानी मार रहे हैं, जड़ में पानी दे नहीं रहे, बच पाएगा पेड़? नहीं बढ़ पाएगा। तो जड़ के अंदर डालो न्यूट्रिशन को पहले, शरीर में न्यूट्रिशन डालो। डालने के 2 तरीके मैंने आपको बेसिक बताए हैं। दूसरा ड्राई फ्रूट का जो बताया उसको जरूर करो, इससे शरीर की कमजोरियों को दूर कर सकते हो आप। अब आते हैं ऊपर पे, पत्तों के ऊपर पानी कैसे मारा जाता है वो समझिए। किसी भी अच्छे पास के ऑर्गेनिक स्टोर या गौशाला में जाकर बोलिए भैया कोई ऐसा शैम्पू दे दो जो गौशालाओं में बनाया जाता हो। क्यों बोल रहा हूँ? कंपनी के अंदर भी शैम्पू बनते हैं, लेकिन कंपनी के अंदर शैम्पू बनते हैं तो 600 रुपये के मिलेंगे, 700 रुपये में मिलेंगे। 700 रुपये का घी खाना चाहिए कि शैम्पू खरीदना चाहिए? तो इसीलिए कंपनी के शैम्पू हालांकि होते हैं अच्छे ऑर्गेनिक स्टोर में, रेकमेंडेड ये है शैम्पू पे पैसा लगाओ 100-150-200 रुपये और घी खरीदो 800 रुपये का। शैम्पू 800 का खरीद के घी 400 रुपये का खरीद रहे हैं, हमारे लिए मनोविकृति है, तो इसको ठीक करना है। तो शैम्पू गौशाला का लेना है जिसमें केमिकल कंपोनेंट बहुत कम हो। ऐसे शैम्पू से 2-3 दिन में एक बार अपने बालों को धो लो। शरीर की ये बालों की डर्ट खत्म करनी है, इसके डर्ट को खत्म कर लो। खत्म करने के बाद में लगाना इसमें ऑयल। अब आती है असली चीज, शैम्पू क्या है? शरीर की बालों की सफाई करता है, बालों में न्यूट्रिशन नहीं दे सकता शैम्पू। ये विज्ञापन गलत पकड़ाते हैं हमें, ये टीवी के अंदर बोलते हैं मैंने शैम्पू यूज़ किया मेरे हुए बाल मजबूत, ऐसे नहीं होते। शैम्पू से मजबूत थोड़ी होंगे, शैम्पू से कभी मजबूत नहीं होने वाले। जो मजबूती आएगी वो आएगी तेल से, क्योंकि तेल जब रगड़ेंगे तो ऊपर से पेड़ों के ऊपर पानी डल रहा है, पेड़ों के ऊपर अगर कुछ डालोगे तो अंदर जाएगा ना, तो तेल जाता है अंदर, शैम्पू अंदर थोड़ी जाएगा। तो उसमें क्या करना है, अब तेल के कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे आसान तेल बनता है नारियल तेल प्लस कैस्टर ऑयल। अगर बालों के लिए कोई भी तेल आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना चाहिए, अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल लो थोड़ा सा नारियल तेल लो, अच्छे से मिक्स करो, बालों में अच्छे से जड़ों के अंदर लगाओ। ऐसी मसाज 2-3 दिन में भी एक बार करेंगे तो बालों में ताकत बढ़नी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर इसी के अंदर सपोज करो इस तरह की जड़ी बूटियां और जड़ी बूटियां डल जाए, भृंगराज डल जाए, शिकाकाई डल जाए, आंवला डल जाए, ये सब डल जाए, ओरिजिनल कहाँ मिलेगा? ऑर्गेनिक स्टोर में मिलेगा। ऑर्गेनिक स्टोर में कहाँ से आना चाहिए? गौशाला से आना चाहिए।
अगर ऑर्गेनिक स्टोर में भी जाते हो तो यही जाके बोलो कि भाई साहब गौशाला में जो बने हुए पदार्थ हैं वो दो। गौशाला बहुत अच्छा शैम्पू और बहुत अच्छा तेल बना सकती है आपके लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों की जरूरत नहीं है इसके लिए, बेसिक चीजें हैं ये। तो गौशालाओं का समर्थन दो शैम्पू और तेल के थ्रू। और अगर कंपनी से लेनी है कुछ चीज तो ये चीज कंपनी से मिलती है, इसको बोलते हैं आर्गन ऑयल। दुनिया का सबसे ताकतवर ऑयल बालों के लिए अगर कोई होता है तो वो आर्गन ऑयल होता है। बादाम का तेल दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आर्गन ऑयल। बादाम के तेल से कई गुना ज्यादा विटामिन ई होता है इसमें, और ये बालों के लिए नेचुरल सीरम की तरह काम करता है। तो इसमें करना क्या चाहिए, लिया हाथों में थोड़ा सा लिया, बिल्कुल हल्का हल्का बालों में लगाया, जैसे मैं ये उंगली जैसे चला रहा हूँ, इसको रगड़ना नहीं होता आर्गन ऑयल को, गर्म तासीर का होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी कर देगा नहीं तो शरीर में। तो हल्का हल्का आपने सीरम के तरीके से इसको बालों में लगाया, अपने आप बालों में फैलेगा, 15-20 दिन के अंदर ही जो बेजान बाल है उनमें आपको अच्छी ग्रोथ थोड़ी सी दिखने लगेगी, उनका बेजानपन दूर होगा और ये न्यूट्रिशन देगा। तो तेल लगाना अच्छी बात है, लेकिन किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। जड़ कमजोर होगी और ऊपर से तेल ही लगाते रहोगे तो बाल नहीं बच पाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा बालों के हमें किस तरीके से हमें उसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। अंदर पहले शरीर में ताकत लेकर आइए, व्यायाम करिए, अच्छी ताकतवर चीज खाइए, मोरिंगा और ड्राई फ्रूट खाइए भिगो भिगो कर। उसके बाद में शैम्पू कौन सा है, गौशाला का लेना है। तेल आपके पास में कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल ले सकते हो, आर्गन ऑयल की चॉइस है। ऐसे कर सकते हो कि 3 दिन में एक बार इससे मसाज कर ली हल्का सा, आर्गन ऑयल बाद में लगा लिया, या 2-3 दिन बाद आर्गन ऑयल लगा लिया, मिक्स एंड मैच करके भी लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट बालों में मिलेंगे। फिर भी अगर बालों की ग्रोथ नहीं हो रही तो समझ लेना अनुपम खेर वाली लाइन बोलनी होती है, कुछ भी दुनिया में कर लो बालों की ग्रोथ नहीं हो सकती, जीवन में करने के लिए बहुत अच्छी चीजें उन पे फोकस करिए। कोई एक बाल चले जाएंगे तो कोई धरती के ऊपर इतना वो नहीं आ जाएगा, काल के पता नहीं क्या आफत आ गई हो, बाकी सारी चीज़ों पे फोकस करो। अब हम इतनी अपने बालों का हम ध्यान रखते हैं, सारी चीज़ें न्यूट्रिशन भी सही है, सब कुछ सही है, फिर भी पीछे से थोड़े से बाल जा रही हैं, 36 साल की उम्र हो गई है, अब हल्के हल्के जाएंगे, 40-45 साल में हल्के हल्के थोड़े से सफ़ेद हो जाएंगे, कौन सी इतनी आफत आ जाएगी। तो थोड़ा धैर्य रख के जीवन में ये समझना चाहिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, नॉर्मल है। तो उन चीज़ों का इस तरीके से स्ट्रेस टेंशन मत रखो, ये बहुत जरूरी है, मैंने नीचे वाली डिस्क्रिप्शन की वीडियो में बहुत बताया था। तो स्ट्रेस और टेंशन है और ये सब कुछ कर रहे हैं तो वैसे भी बाल जाएंगे, नहीं रोक पाओगे। तो कुछ बेसिक चीज़ों को, सिद्धांतों को समझकर यही चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हो, और इस चीज़ के ऊपर नहीं कि ये चीज़ लगाओ और 2 महीने में देखो बाल घने काले हो जाएंगे और ऐसे काले होने लग जाएं, ऐसे नहीं होता है कभी। तो धीरे धीरे आराम आराम से चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो शरीर के लिए बहुत लाभदायक ये सिद्ध होगा, ऐसी हमारी आशा है। भारत वंदे मातरम।